मुरादाबाद स्थित आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के दर्जनों छात्र छात्राओं ने स्कॉलरशिप की मांग को लेकर जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपते हुए न्याय की गुहार लगाई है। मुरादाबाद दिल्ली हाईवे 24 स्थित श्री सत्य आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज लोधीपुर राजपूत में BA MS सेकेंड ईयर में पढ़ रहे दर्जनों छात्र छात्राओं ने अपनी स्कॉलरशिप की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और DM से गुहार लगाते हुए मांग की है कि विगत साल से बंद पड़ा स्कॉलरशिप दिलाया जाए। साक्षी गुप्ता है। साक्षी, आज कहाँ आई और क्यों आई है? हम आज जिलाधिकारी के पास आए हैं और हम इस वजह से आए हैं क्योंकि हमें स्कॉलरशिप नहीं मिल पा रही है। और स्कॉलरशिप इसलिए नहीं मिल पा रही है क्योंकि हमारा जो मेडिकल सत्र है वो मेडिकल सत्र लेट शुरू हुआ है। लेट शुरू हुआ, अक्टूबर में काउंसलिंग हुई, उसके बाद हमारा नवंबर में हमारा सेशन शुरू हुआ और हमारे कॉलेज को मान्यता प्राप्त हुई है सितंबर में। सितंबर में मान्यता प्राप्त हुई, उसके बाद कॉलेज ने जो स्कॉलरशिप फॉर्म थे तब तक भर चुके थे, जो यूनिवर्सिटी के थ्रू जो स्कॉलरशिप फॉर्म थे वो भर चुके थे। इस वजह से हम 2017 और 18 में ये स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के पात्र नहीं थे हम, क्योंकि हमारा सेशन 18 और 19 लग चुका था। किससे मिली आप? अब हम DM सर से मिले हुए हैं। DM का क्या आश्वासन है? सर का आश्वासन ये है कि 30 या 31 तक हमें पता दिया जाएगा कि क्या होना है क्या नहीं होना, और वो ये कह रहे थे ये चीज़ आगे वो फॉरवर्ड कर देंगे और जांच कराएंगे। स्कॉलरशिप के लिए कितने छात्र अभी सर पूरे प्रदेश में तो ये चीज़ है, बट हमारे कॉलेज में 51 बच्चे और 51 हमारे जूनियर्स।